Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of class 11 trigonometric functions exercise 3.3. Question number 7 is prove the following 10 pi by 4 plus x upon 10 pi by 4 minus x is equal to 1 plus 10x upon 1 minus 10x whole square. So we have to prove this left hand side equal to right hand side. तो हम left hand side को लेकर चलते हैं. Left hand side is, we write again left hand side, 10 pi by 4 plus x upon 10 pi by 4 minus x. और इसको हमने 1 plus 10x upon 1 minus 10x के whole square के equal prove करना है. So, we have learnt the identities of sum and difference of angles of sine, cos and tan. So, this is the identity. Here we will be apply the identity 10 pi by 4 plus x and that is 10x plus y. And in the denominator, we will apply the identity 10x minus y and then we will solve to find out the right hand side. So we learnt the identity 10 a plus b, or you can say 10x plus y is equal to 10x plus 10y upon 1 minus 10x into 10y. ये identity हम पढ़ चुके हैं और इसी तरह से हम 10x minus y की identity भी पढ़ चुके हैं और उसमें हमारे पास यहाँ पर minus आ जाता है और यहाँ पर plus आ जाता है. So we will be applying these two identities, plus identity, sum identity on numerator and difference identity on denominator. So this can be, और यहाँ पर हमारा a क्या है, x क्या है, pi upon 4, और y क्या है, x. अब यहाँ पर क्योंकि x है तो हम इसको, इस identity को a plus b की form में बोल सकते हैं. That means 10 a plus b is equal to 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a into 10 b. ये हमारी identity होगी क्योंकि यहाँ already x है. जो अगर हमारे पास यहाँ x है तो हम इसको a और b की form में identity को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. So this will be 10. अब 10 a, 10 a is 10 pi by 4 plus 10 b, 10 b is x. So 10 x upon 1 minus 10 a, 10 a is 10 pi by 4 into means multiply into, अभी हम numerator को लेकर चल रहे हैं, into 10 x. ये तो हमारा हो गया numerator. Upon, इसके नीचे हमारे पास है 10 pi by 4 minus x. तो यहाँ पर a हमारे पास pi by 4 है. 10 pi by 4 minus 10x upon 1 minus, अब यहाँ पर minus की जगह क्या आएगा, plus, क्योंकि यहाँ पर हम difference की identity लगा रहे हैं. 1 plus 10a, that is 10 pi by 4 into 10b, that is 10x. तो यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन हमारा न्यूमरेटर की फॉर्म में है और एक फ्रैक्शन हमारा डिनोमिनेटर की फॉर्म में है. और न्यूमरेटर के जो हमारा फ्रैक्शन है उस पर हमने 10 a प्लस b की आइडेंटिटी लगाई है और जो डिनोमिनेटर है उस पर हमने 10 a माइनस b की आइडेंटिटी लगाई है. अब हमने इसको सॉल्व करना है. नाउ वी नो दैट 10 पाई बाई 4 इज़ 1, तो ये हमारे पास बन गया 1 प्लस 10 x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इज 1, तो 1 इंटू 10x, तो 10x हो गया. तो ऊपर हमारे पास आ गया 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x. और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 10 पाई बाय 4, दैट इज 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इज 1, 1 इंटू 10x, दैट इज 10x. तो ये बहुत ही सिंपल हो गया हमारा जो ये क्वेश्चन था. बस अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. पहले हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं, 1 प्लस 10x अपॉन
वन माइनस टेन एक्स, न्यूमरेटर हमने एज इट इज़ लिख लिया, ये इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो जब हम उसको मल्टीप्लाई किए इससे डिवाइड, ये जो है न्यूमरेटर इस, ये न्यूमरेटर इससे डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेंगे अगर हम, तो हम इसका इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट मीन्स वन प्लस टेन एक्स जो है वो ऊपर आ जाएगा, वन प्लस टेन एक्स ये ऊपर आ गया और वन माइनस टेन एक्स जो है वो नीचे आ जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, हमारे पास वन प्लस टेन एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स आ गया, वन प्लस टेन एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स दो बार है तो हम वी कैन राइट इट वन प्लस टेन एक्स होल स्क्वेयर अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन एक्स, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वेयर एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो हम राइट लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और उस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते हम राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इन दिस वे वी प्रूव दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रूव द फॉलोइंग, इसमें भी हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, कोस पाई बाय फोर कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स दैट मीन्स ये एंगल जो है ये माइनस में है एंड साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाय टू प्लस एक्स। यहाँ पर हमें सारी जो बात है वो क्वाड्रेंट की बात है कि हमें चेक करना है कि क्वाड्रेंट में वो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक तो हमारे पास ये चेक करने के लिए चीज़ है कि हमें देखना कि जो भी एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरा हमें ये चेक करना है कि एंगल पाई की फॉर्म में है या पाई बाई टू की फॉर्म में है, और तीसरा हमारे पास ये है कि जो नेगेटिव ऑफ एंगल है वो कौन सी रेशियो का जो नेगेटिव साइन है बाहर आने पर पॉजिटिव रहता है और कौन सी टी रेशियो का जो नेगेटिव साइन है एंगल का वो बाहर आने पर नेगेटिव रहता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं वी राइट लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स एंड अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाई टू प्लस एक्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब कोस पाई प्लस एक्स क्या है कि पाई हमारा ये हो गया और एक्स प्लस एक्स का मतलब थोड़ा सा एंगल और, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशियो पॉजिटिव होती है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज टू, टेन और कोट जो है वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो दैट मीन्स कोस पाई प्लस एक्स, और ये पाई की फॉर्म में है, टी रेशियो कन्वर्शन नहीं होगी, कोस कोस ही रहेगा लेकिन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और ये कोस ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा, माइनस कोस एक्स, ये तो हो गया कोस पाई प्लस एक्स के लिए। उसके बाद कोस माइनस एक्स, हमने नेगेटिव ऑफ टी रेशियोज ऑफ एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स ऑफ टी रेशियोज पढ़ी थी, उसमें नेगेटिव एंगल्स जो हैं वो बाहर आकर पॉजिटिव किस किस के होते हैं, कोस का और सेकेंड का, और बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे मान लो साइन माइनस एक्स है तो अगर हम एंगल को पॉजिटिव बनाते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन एक्स, ये सारी आइडेंटिटीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो कोस माइनस एक्स है इसका नेगेटिव एंगल जब हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो ये बाहर भी पॉजिटिव ही रहता है, ये बाहर नेगेटिव नहीं होता, तो कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, तो यहाँ पर हमारे पास कोस एक्स आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सबसे पहले हमें ये देखना है। नाउ पाई माइनस एक्स ये हमारा 90, ये 180 और पाई यहाँ तक हो गया, पाई माइनस एक्स दैट मीन्स ये वापस जाएगा, माइनस में हम बैक ले जाते हैं एंगल को, और ये यहाँ पर मान लो थोड़ा सा माइनस हुआ
तो ये यहाँ पर आ जाएगा एंगल, और दिस एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, और क्योंकि पाई की फॉर्म में है तो साइन साइन ही रहेगा, तो साइन पाई माइनस एक्स जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स में, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स। उसके बाद कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, नाउ यू हैव टू बी केयरफुल कि यहाँ पर पाई बाई टू है, यहाँ पाई था इन इसमें और इसमें पाई था, यहाँ पाई बाई टू है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ टी रेशो कन्वर्ट होगी, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, ये तो कन्फर्म ही है, और दूसरा हम ये देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, पाई बाई टू प्लस एक्स, ये पाई बाई टू प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये कॉस जो है ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज होने के साथ साथ इसका जो साइन नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और साथ में हमारे एक्स रह जाएगा, सो दिस विल बिकम माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ साइन होता सेकेंड में तो वो पॉजिटिव रहता, लेकिन यहाँ कॉस था तो ये माइनस साइन इसका माइनस हो गया, और टी रेशो कोस से साइन में चेंज हो गया क्योंकि पाई बाई टू है, पाई बाई टू यहाँ पर क्वाड्रेंट देखने के बाद हमने फिनिश कर दिया इसको प्लस साइन को भी, और हमारा आ गया माइनस साइन एक्स। उसके बाद बस हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, अब ये सारे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स अपोन साइन एक्स मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर ऊपर कोस एक्स है और नीचे साइन एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस और कोस एक्स कोस स्क्वेयर एक्स अपोन, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव साइन स्क्वेयर एक्स। नाउ वी कैन दिस माइनस साइन कैन बी कैंसिल आउट, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस एक्स अपोन साइन एक्स का होल स्क्वेयर, एंड कोस एक्स अपोन साइन एक्स इज कोट एक्स, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स होता है, तो ये उसका रेसिप्रोकल है, तो ये कोट एक्स हो गया और साथ में इसका स्क्वेयर है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वेयर एक्स। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस सम, वी कैन प्रूव दिस ट्रिग्नोमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कौन सी हमारी कॉट स्क्वेयर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड पर हम पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रूव दैट कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इस सारे एक्सप्रेशन को हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है, दैट मीन्स दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, दिस वी हैव टू प्रूव। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये एक्सप्रेशन किस टाइप का है, इसमें जो भी टी रेशो है उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा है वो सारा एंगल है, यहाँ पर कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स ये पूरा जो है ब्रैकेट के अंदर ये सारा कोस का एंगल है, इसी तरह से ये 2 पाई प्लस एक्स दिस इज एंगल ऑफ कोस, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स दिस इज एंगल ऑफ कोट, ये पूरा इसमें से हमने एक या दो चीज़ नहीं लेनी है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा इसका एंगल है, प्लस मतलब अगर हम जैसे कॉट एक्स या कॉट ए की बात करते हैं तो उसी तरह से ये ए या एक्स की जगह पर ये एंगल हमें गिवन है, प्लस कॉट टू पाई प्लस एक्स ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है और इस एक्सप्रेशन को हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है, दिस वी हैव टू प्रूव इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये सारा ब्रैकेट में जो है ये सारा इसका कॉट का एंगल है, प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, ये हमारी सारी जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसे हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है,
दैट इज़ राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है और कौन सी एंगल की टर्म्स में है, 180 की टर्म्स में है या पाई बाय टू का मल्टीपल है या 180 या पाई का मल्टीपल है। और उसके लिए हमें क्वाड्रेंट देखना है और ये भी चेक करना है कि इसमें टी रेशियो कन्वर्ट होगी या नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब अगर हमने ये देखना है कि 3π/2, अब 3π/2 सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 3π/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ हम बहुत इजीली इसको देख सकते हैं, हमारा जो ये एक क्वाड्रेंट है ये π/2 का है, दूसरा भी π/2 का है, π/2, 1π/2, 2π/2 और ये कितना हो गया 3π/2। तो दैट मीन्स, और प्लस एक्स है हमारे पास, तो प्लस एक्स दैट मीन्स ये कहाँ पहुँच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ये 3π/2 है प्लस 3π/2 प्लस एक्स, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये है कोस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशियो पॉजिटिव होती है, ऑल साइन 10 कोस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो कोस और सिकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब कोस जो है वो पॉजिटिव रहेगा लेकिन इसकी टी रेशियो कन्वर्ट होगी, कोस किसके अंदर चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर, बिकॉज दिस इज द मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, साइन क्वाड्रेंट देख लिया हमने, 3π/2 खत्म, प्लस भी खत्म और साइन एक्स रह गया। अगर यहाँ पर कोई साइन चेंज होता तो उसको हम लिखते, लेकिन क्योंकि ये कोस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम कोस 2π प्लस एक्स, 2π दिस इज पाई यहाँ तक और ये 2π। वैसे भी हमने पढ़ा है कि जो ओड मल्टीपल ऑफ पाई हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में ख़त्म होंगे और जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ख़त्म होंगे, लेकिन यहाँ पर ख़त्म तो 2π पर हो रहा है लेकिन प्लस एक्स भी है, तो दैट मीन्स 2π प्लस एक्स, ये 1π ये 2π और प्लस एक्स ये कहाँ पहुँच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशियो पॉजिटिव होती हैं और क्योंकि ये पाई की फॉर्म में है तो कॉस कॉस ही रहेगा, तो इसलिए ये हमारे पास क्या बन गया, कॉस एक्स, क्योंकि 2π है प्लस एक्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गया तो कॉस एक्स, मतलब कि कॉस 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट है, जहाँ जो ब्रैकेट है वहाँ हमने वही लगानी है, अदरवाइज आवर सम में भी रॉन्ग। तो कॉट अगेन मल्टीपल ऑफ π/2, 3π/2 है, 3π/2 माइनस एक्स है, पहले हमारे पास था 3π/2 प्लस एक्स, तो 3π/2 प्लस एक्स में हमने क्या किया कि 3π/2 यहाँ तक आया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और अब है हमारे पास 3π/2 माइनस एक्स, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 3π/2 90 होता है तो एक 90 यहाँ कवर हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3π/2 यहाँ कवर हुआ लेकिन माइनस एक्स है तो ये बैक आएगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, दैट मीन्स कोट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बिकॉज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो टू टेंजेंट और कोट जो है यहाँ पॉजिटिव होते हैं, तो कोट 3π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये किसके किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि बट ये कॉट है तो ये कॉट 10 में कन्वर्ट होगा, दिस विल बी 10, क्यों 10 में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ पाई। अब ये मल्टीपल ऑफ पाई है, सॉरी दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ π/2, तो मल्टीपल ऑफ π/2 है ये 3π/2 है, हमने ये चेक कर लिया, ये खत्म हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये टी रेशो जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 10 में, और साइन जो है ये पॉजिटिव रहेगा बिकॉज दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो दिस इज 10x, ये किस में चेंज हो गया, 10x में। उसके बाद अब हमने ये देखना है कॉट 2π प्लस एक्स, 2π यहाँ खत्म हुआ और प्लस एक्स, अगेन 2π प्लस एक्स किस में हुआ, ये कन्वर्ट हो गया हमारा कॉट, क्योंकि 2π है तो कॉट ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, तो ये कॉट 2π खत्म हो गया, प्लस खत्म हो गया, कॉट 2π प्लस एक्स इज कॉट एक्स। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमें इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें स्क्वेयर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद जो बाहर है एक्सप्रेशन उसको सॉल्व करना है। तो साइन एक्स कॉस एक्स, अब हम इसको जब सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके सॉल्यूशन का तो एक ही तरीका है कि हम, क्योंकि यहाँ साइन कोस है, अगर हम इसको भी साइन कोस में चेंज करते हैं तो हमारे जो कुछ टी रेशोस कैंसिल होने के चांसेस हमारे हो सकते हैं और कैंसिल होके हमें 1 मिल सकता है। सो 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू
कॉट एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अब हम क्या करें, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन एक्स कोस एक्स और ये स्क्वेयर ब्रैकेट, और इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स कोस एक्स। जब इसका एलसीएम साइन एक्स कोस एक्स आ गया तो ये कोस इससे कैंसिल होके साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स, प्लस ये साइन इससे कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो कोस एक्स बच गया, कोस एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वेयर एक्स। एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर और क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमें हम वन तक पहुँच सकें। यस, हम ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू वन। तो हम क्योंकि इसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने मल्टीप्लाई लिख दिया वन अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज ये वन कहाँ से आया, बिकॉज साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू वन, ये हमने रीज़न लिख दिया। अब हमारे पास ऊपर भी साइन एक्स है नीचे भी साइन एक्स है, ये कैंसिल हो गया, ऊपर भी कोस एक्स है नीचे भी कोस एक्स है, ये भी कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बच गया वन, एंड दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड पे पहुँचे, कैसे पहुँचे, वन आ गया क्योंकि दैट मीन्स हम राइट साइड पे पहुँच गए, अगर हमारा वन नहीं आता तो दैट मीन्स हम राइट हैंड साइड पे नहीं पहुँचे थे। सो वी स्टार्टेड विद लेफ्ट हैंड साइड एंड रीच टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।